हेलो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ माई के मंडप से यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। हम लोग कहाँ? अमरकंटक। हम लोग अमरकंटक जाएंगे। इधर पहाड़ी रास्ते से ही होकर जाना है, तो कुछ दूर तक तो गुरुजी चलेंगे। अभी गुरुजी हमें नदी पार कराएंगे और नदी पार करने के बाद फिर गुरुजी तो यहीं रुकेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर प्लान ये है कि वहाँ अमरकंटक में घूमने के बाद कपिलधारा और जलेश्वर ये सब घूमने के बाद फिर हो सकता है कि कल तो नहीं, हाँ कल शाम तक फिर हो सकता है यहीं पर आने का विचार है। माई का बगिया, सोन मीरा, हाँ सोन मीरा, माई का बगिया, ये सब जो है फिर देखेंगे। आइए चलते हैं। ये नदी आ गई है, नदी क्रॉस करनी है हम लोगों को। इधर से महाराज जी बता रहे हैं इधर से आना है। हाँ इधर से चलो 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 चलो। अरे महाराज जी बता रहे हैं वो उस रास्ते चलते हैं। चलो ये बताए इधर से, देखिए ये रास्ता है। देखिए महाराज जी को पता है तो इधर से देखिए ये रास्ता बहुत कम लग रहा है। और तो तुम लोग सुख जाना जब है जब मैं बताता हूँ। यहाँ देखना पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ ये गड्ढा है, ये गड्ढा देख के आना ऐसे। ये गड्ढा देख के देखा ना, देख रहा होगा। चलो एक गड्ढी है। अच्छा हाँ एक गड्ढा यहाँ पर है। और पानी का बहाव कितना तेज, पैर जो है नर्मदे हर। देखिए एक 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 गड्ढा और इधर है। ये देखिए वास्तव में महाराज जी नहीं आते तो नदी पार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। संभाल के आना, गड्ढा भी होगा थोड़ा सा ऐसे। हाँ संभाल के आओ। अब नहीं, अब चले आओ। साड़ी थोड़ी ऊपर करो, साड़ी ऊपर करो, सब भीग गई। आ जाओ आ गए, नदी पार कर ली हम लोगों ने। पार करने को उपरांत ये रास्ता है जंगल का, और इस जंगल के रास्ते से होकर के मुझे जाना है। अभी महाराज जी कुछ दूर तक रास्ता दिखा देंगे हमें, और फिर हमें जाना है अकेले। अकेले मतलब हमारा ग्रुप साथ में चलेगा। आज फिर माई के मंडप से अमरकंटक तक की ट्रैकिंग, पहाड़ पे चढ़ना उतरना और चढ़ते उतरते हुए हम लोग पहुँचेंगे अमरकंटक। अच्छा देखो भीम का पैर दिखाते हैं। देखो वहाँ से आ गया। हाँ ये यहीं पर देखिए लंगूर है, लंगूर देखिए दौड़ रहे हैं। हाँ कुत्ते को पकड़ लिया एक को। अच्छा खींच लिया। ये देखो यहाँ कहीं भीम का पैर महाराज जी दिखा रहे हैं। एक वहाँ पर है, एक ये है। अच्छा एक ये पैर है और एक ये पैर है भीम का। हाँ एक वो पैर है, एक ये पैर है भीम का। एक वो, एक ये, एक ये भीम के पैर है। और देखिए पानी,
ये देखो कैसे पानी गुबार बन रहा है, पानी का वो तो कैसे किस तरीके गुबार बन रहा है। अभी कुछ दूर तक हमें तो ये अच्छा रोड मिल गया है, कुछ दूर तक चलेंगे सड़क मार्ग से पगडंडी वाली रास्ता मिलने वाली है। पगडंडी वाली रास्ता मिले या क्या मिलता है, फिर उस तरीके से चलेंगे। ये देखिए जंगल में भी तो खैर रास्ता मिल गया है तो इसलिए चल रहे हैं। और मौसम तो ठीक है, बारिश नहीं हल्की हल्की जैसे सिवैयाँ होती हैं ऐसे बूंदे फुहार पड़ रही है तो चल रही है, बॉडी में हीट हो रही है तो वो फुहार बहुत अच्छी लग रही है। और सुबह तो बहुत सर्दी लग रही थी, ठंडा हो गया था मौसम। फिलहाल तो अभी देखते हैं अमरकंटक, हम लोग आधा किलोमीटर चल चुके हैं, अभी धीमे धीमे चलेंगे, आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे अमरकंटक तक। यहाँ से हमने ये रास्ता छोड़ दिया है, सड़क को छोड़ दिया है, अब हमने बिल्कुल जंगल का रास्ता पगडंडी वाला पकड़ा है। देखिए ये रास्ता कुछ शॉर्ट पड़ता बता रहे हैं तो पगडंडी से होकर के चलेंगे। हाँ यहाँ देखिए जंगल में अभी कुछ वार्निंग कॉल मिली, जैसे कि टाइगर वगैरह जब दिखता है तो उस तरीके की कॉल आती है, तो थोड़ा सा सचेत होके चलना पड़ रहा है क्योंकि कल ही बताया था ये टाइगर की टेरिटरी है और यहाँ भालू वगैरह भी हैं, तो हो सकता है कि ये फेक कॉल भी हो सकती है, लेकिन वार्निंग कॉल लगी मुझे और हम सभी ने सुनी कई बार, जैसे कि जब कोई टाइगर वगैरह निकलता है तो लंगूर वगैरह जो पेड़ पर बैठे होते हैं, लंगूर को जंगल का पहरेदार माना जाता है क्योंकि ये पेड़ पर बैठते हैं ऊपर ऊंचाई पर, तो इन्हें जब दिख जाता है तो ऊपर से ही ये कॉल सचेत कर देते हैं। तो जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पशु पक्षी सचेत हो जाते हैं उस कॉल से। ऐसी ही कॉल हम लोगों को इधर प्रतीत हुई, चलते हैं। हमारे साथ हालांकि एक कुत्ता भी चल रहा है अभी, तो वो भी चौंक गया था उस कॉल को सुन करके, तो इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा सा अजीब सा आभास हुआ। खैर चलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान चलते रहिए। जानवरों को देख घंटे बंधे हुए हैं यहाँ पर, और घंटे की आवाज़ सुन करके एक तो ये पता लग जाता मेरा जानवर कहाँ है, और दूसरा जैसे सांप आप होते हैं तो ये भाग जाते हैं घंटे की आवाज़ से, कहाँ पर है ये भी पता लग जाता है। जानवर जीव जंतु जो होते हैं भाग जाते हैं। चलो ये देखिए ये नाला है सूखा, आराम से पकड़ लो हाथ, पकड़ लो हाथ ऐसे। देखिए पूरा जंगल ही जंगल, और ये जंगल में, लेकिन बारिश रुकी हुई है तो इसलिए दिक्कत नहीं हो रही है ज़्यादा। चलो संभाल के, ये जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं जिससे पानी इनमें भरा रहे, तो इन पेड़ पौधों को पानी मिलता रहे, केवल ये होती है जगह जगह थोड़ा सा खोदने से, जगह जगह खोदे। चलो आराम कर लीजिए, तब तक देखो दो डंडे बनवा लेते हैं क्योंकि अभी पहाड़ पे चढ़ाई चढ़नी है,
तो देखिए भैया यहाँ पर मिल गए हैं, इससे थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाएगी। और ये देखिए, और नीचे फोटो हो जाए। ये देखिए एक भैया डंडा तैयार कर रहे हैं हम लोगों के लिए। देखिए बाहर हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। ऐसे दो तीन और बना दीजिए भैया। ये सही बात है, ये भोले बाबा की कृपा है। हाँ हाँ निकाल देंगे, निकाल देंगे। ये देखिए, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं। और पहाड़ पर चढ़ने के लिए लकड़ी आवश्यकता की होती है, छड़ी, छड़ी तैयार की जा रही है देखिए। और भोले बाबा की कृपा से भैया मिल गए हमको, तो ये तैयार करके दे दे रहे हैं, तो ये हमारी चढ़ाई चढ़ने में और उतरने में बहुत सहायक होगी। देखिए जंगल में चलते चलते अब ये नदी कहें, नाला कहें, क्या कहें, नदी है गंगा, नदी झरना, झरना। हाँ ये देखिए इधर से पानी आ रहा है, ये काफी दूर से, अब इसको पार करेंगे अभी। चलो आओ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब इधर से ये देखिए पेड़ों की जड़ें कैसे बिछी हुई हैं। ये देखिए ये सब पत्थर की वजह से जड़ें जो नीचे नहीं जाती हैं, ऐसे ही इधर उधर फैल जाती हैं, और फिर भी मजबूत इतना रहता है कि पेड़ गिरता नहीं। देखो ये देखिए जंगल के रास्ते से होकर के जा तो रहे हैं, लेकिन एक जगह हम लोग भटक गए थे थोड़ा सा, लेकिन एक सज्जन मिल गए तो उन्होंने रास्ता सही पकड़ा दिया। और ये देखिए जंगल में यहाँ एक देखो कुटी, ये कुटी देखने को मिल रही है सामने। देखिए देखिए कुटी बनी हुई है, हम लोग कुटी की तरफ जा रहे हैं, शायद वहाँ से कुछ ये मिल सके कि रास्ता जो है कुटी से रास्ता का कुछ पता लग सके। कोई होगा कुटी में तो अवश्य बताएगा। ये लोग बहुत पीछे रह गए थे। जंगल में पीछे मत रहिए, जंगल जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, इसलिए ग्रुप के साथ रहें और ग्रुप के साथ ही चलें। चलो अब ये देखिए वो लोग उधर पहुंच गए हैं, हमारा ग्रुप तो थोड़ा आगे निकल गया, हम लोग पीछे रह गए जंगल में। चलते हैं, चलते हैं। देखो इस जंगल में हम दो शेर, हम दो काम तो तीन है। चलिए ये रास्ता, हमारी टुकड़ी देखो रुक गई आगे, रास्ता बता रहे कुछ फिर शायद भटक। ये देखिए रास्ता फिर भूल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं, वो तो होता है,
रोज की रास्ताएं तो है नहीं, रोज की रास्ताएं हो तो अलग बात है, तो हम लोग जब कभी आते हैं तो भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पानी बहुत साफ है, आप पीना चाहे पानी पी सकते हैं यहाँ पर। नहीं, शुरू हो गई है, रास्ता भटक गए थे, दो बार रास्ता भटके हैं अभी तक। एक बार तो एक चरवाहा मिल गया था, उसने रास्ता बताया, और दूसरी बार हम लोग खुद ही आ गए। थकान होने के बाद आराम के कुछ पल, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी पूरी टीम रुकी हुई है आराम करने के लिए, रास्ता बताने के लिए नहीं है, वो डंडा जो है ना आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए है रास्ते में। पानी में तो है सपोर्ट, पानी में गहराई कितनी क्या है वो भी बताएगा, बहुत कुछ बताएगा। निर्जीव प्राणी है लेकिन आँखों वाले लोगों के लिए रास्ता बनता है, रास्ता दिखाता है आँखों के लोगों को जिनकी आँखें होती हैं। पत्तों पे पानी की बूंदें कितनी सुंदर लग रही हैं, मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे, जैसे मोती रखे हुए छोटे छोटे, बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो भाई चलो। ये भैया आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं। कौन सा गांव है आपका? थार पत्थरा। मैं तो आमा डोप का हूँ, ये हमारे साथ थार पत्थरा। थार पत्थरा, हाँ। अच्छा कितनी दूर है यहाँ से गांव? इधर है। अच्छा इधर है, तो हम लोग अमरकंटक के लिए जा रहे हैं। तो अमरकंटक इसमें आप निकल जाइएगा, ले जाएगा रास्ता, सीधा चढ़ जाओगे घाट। अच्छा अच्छा अच्छा, पास में कितनी? तो आप लोग यहाँ खेतों में वैसे रहते हैं? हाँ। तो यहाँ कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? धान वगैरह होता है। धान हो जाता है? हाँ। धान के लिए पानी कहाँ से आता है? वही तो लगाए तो है, पानी वाला पानी में होता है ये, भर रहा है। अच्छा ये बिना पानी वाला है धान? हाँ, 1010। अच्छा 1010, जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर से पानी आता है उसमें हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, ये देखिए चढ़ाई शुरू हो गई है, और हम लोग अब धीमे धीमे करके ऊपर चढ़ रहे हैं। पत्ते गिर गए हैं पतझड़ में, और बरसात में हो गए हैं गीले, और देख हमारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं अभी। बच्चा आराम से चले हो, सांस फूलने लगी है। आई चढ़ाई जय माता दी, आई चढ़ाई जय माता दी, सही बात है। बताते हैं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। तो भोले बाबा का नाम लीजिए, नर्मदे हर, चढ़ते रहेंगे धीमे धीमे, सांस फूलने लगी है। देखिए चढ़ाई धीमे धीमे, जय भोले बाबा की। फिसलन बहुत है, फिसलन बहुत है यहाँ। चलो किसी तरीके से, ये देखिए एक बच्चा हम लोगों को यहाँ तक लेके आया। जंगल का रास्ता या तो रोज आते रहो, रोज तो हम लोग आते नहीं है,
जब कभी आते हैं वो भी हमारे दादा साथ में जाए, उनकी उनकी महान कृपा से हम लोग ये चीज़ें आपको दिखा सक रहे हैं। और देखिए ये एक जंगल क्रॉस करके हम यहाँ मैदान में आ गए। अब ये सामने फिर एक जंगल दिखाई दे रहा है, अब इस जंगल को पार करना है। लोग खड़े हैं देखिए मैदान में। अब ये जंगल कितना लंबा होने वाला है? अब होगा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का होगा। चलिए अब इस जंगल पे चलेंगे, अभी एक जंगल पार करके आए हैं। अब यहाँ तो नहीं भूलेंगे? अब भूलेंगे तो फिर कोई भगवान किसी को भेजेंगे। देखो ये बच्चा आ गया ना, देखिए इस बच्चे की मदद से हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये खड़ा हुआ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? दुर्गेश। अरे वाह, दुर्गा धन ईश बराबर दुर्गेश। बाबूजी ये देखिए जंगल। जय भोलेनाथ। और देखिए पानी पहाड़ों से नीचे जाता हुआ। पानी भर ले पीने के लिए? पीने के लिए पानी ले लें। ये देखो चल रहा है पानी। है हाँ, और आगे मिलेगा? चलिए तो फिर मिलेगा तो फिर चलते हैं। झरने तो बरसात में जगह जगह मिल जाएंगे। देखिए लकड़ी का बहुत सहारा मिल रहा होगा। बहुत ज्यादा लकड़ी के सहारे चल रहे हैं लोग। ये बात भोलेनाथ की कृपा है। ये जंगल में आगे देखिए पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऊपर से फुहार पड़ रही, सब गीले हो रहे, अंदर से पसीना। चढ़ाई काफ़ी है ना, काफ़ी चढ़ाई चढ़ के। और जंगल भी बहुत घना जंगल है देखिए। पानी की आवाज़ ऊपर भी आ रही है, देखो कहीं वहीं से पानी लेते हैं। ये देखो पानी, ये चल रहा है यहाँ पर पानी। चले यहाँ पर नर्मदे हर। ये देख काफी पानी चल रहा है यहाँ पर। ये देख पानी कहाँ से आ रहा है, पेड़ के नीचे से आ रहा है पानी है ये। ये बारह दिन का लगाया हुआ है। ये देखो सिस्टम आई थे ना, ये छोटी गंगा सुई। देखिए अब कहाँ से किधर पानी। हाँ इधर से कहाँ से चलेंगे? देखिए यहाँ पर लकड़ी से पार नहीं होना, पैर फिसल जाएगा। लकड़ी से पार नहीं होने का, आराम आराम से आइए। थोड़ा सा कठिन है। आइए आराम से, पैर फिसले नहीं। ये देखो नर्मदे हर। आराम से आओ, आराम से, बहुत चढ़ाई है। चलिए आराम से। चलिए देखिए
चलो आप आज चलो चला वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको वहीं, झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, क्या भैया आ गए ऊपर जाकर आ जाओ आ जाओ, आप आओ, क्या है? अरे कोई बात नहीं, ये देखो ना पत्थरों पे कैसी हरी हरी काई जम रही है, वो कितना अच्छा लग रहा है, खतरनाक भी है बहुत है, देखो ऊपर चलो आराम से, चलो आराम से चलते हैं। अरे अभी कहाँ, ट्रैकिंग में बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत समय लगता है। देखना ये है, मिल गई हमको छुई मुई, ये देखो ये देखो ये देखो, जहाँ छुए वहाँ सिकुड़ गई, देखो सिकुड़ गई, बड़ी वाली है ये देखो, ये सारी देखो, ये छू लेंगे सब सिकुड़ जाएगी, ये देखो सिकुड़ गई पत्ती, ये वही है। ये पहाड़ों पे बादल कैसे देखिए छाए हुए हैं, ऊपर देखिए, ये देखिए ऊपर दो जंगल हम लोगों ने पार कर लिए हैं, अब हम लोग तीसरे जंगल पे चलेंगे, ये ऊपर ये तीसरे जंगल के लिए, अब तीसरा जंगल क्रॉस करने के बाद देखिए हम कहाँ पहुँचते हैं, ये तीसरा जंगल, माई के मंडप से हम लोग चले हुए हैं, यहाँ माई का मड़वा बोलते हैं, माई का मड़वा करके बोलेंगे तो बता देंगे लोग, और ये तीसरे जंगल में हम लोगों ने प्रवेश किया है, इसको क्रॉस करके हम लोग पहुँचेंगे माई की बगिया। बहुत कठिन चढ़ाई है, दिक्कत ज़्यादा वैसे नहीं है, केवल बारिश होने की वजह से फिसलन जो हो गई है थोड़ा सा रास्ता कठिन हो गया है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, प्रकृति का ऐसा साथ, ये लगता है कि बस इन्हीं जंगलों में घूमते रहो, जहाँ पर भी भूले हैं वहाँ भगवान ने भेजा है कोई ना कोई, हाँ जहाँ हम लोग रास्ता भटके हैं वहाँ कोई ना कोई रास्ता दिखाने के लिए मिल गया, ये प्रभु की कृपा मानेंगे, जो यहाँ जंगल में भी रास्ता बताने वाला मिल गया। ऊपर जो चढ़ाई दिख रही है, देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ रुके हैं, और विश्राम करने के उपरांत ये हमें देखिए ऊपर जो चढ़ाई दिख रही है, दादा बता रहे हैं इस रास्ते से सीधा ऊपर चढ़ के जाना है माई की बगिया के लिए, इस रास्ते से, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, चलिए प्रभु पार लगाएंगे, जब इतना आगे तो आगे भी चलेंगे, हिम्मत तो नहीं आ रोगे, चल चढ़ जाएंगे, चलो चढ़ते हैं, और हिम्मत अगर हार भी जाओगे ना तो यहाँ कौन सा तुम्हें रिलीफ मिलने वाला है, चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, चलना उतना ही पड़ेगा, बिल्कुल आराम कर लो ढंग से, फिर उसके बाद चलते हैं। अभी और भैया पीछे रह गए थे, आ गए, आ रहे हैं अभी, आप लोगों का साथ मिल गया तो हमारी ये ट्रैकिंग हो गई, नहीं तो ट्रैकिंग बहुत मुश्किल थी, नहीं करते भैया, ये यहीं लोकल के हैं, देखिए जंगल से लकड़ी काट के ला रहे हैं अपने जीव को उपार्जन के लिए, और देखो कितना कितना वजन लेकर के, कितना वजन लेकर के चलते हैं, देखो हैं इतना वजन लेके आप चढ़ जाते हैं ऊपर, नर्मदे हर नर्मदे हर, खड़े हो जाओ एक मिनट के लिए, चलिए
अरे आप लोग माई की बगिया जा रहे हैं? माई की बगिया ऐसे ही रास्ता है ना, आप समझ लो जब इतना वजन लेके ये चढ़ सकते हैं तो हम लोग खाली क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। हिम्मत बनाए रखिए, जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। चलिए लोग चल दिए ऊपर, चलो हम भी चलते हैं। ये लोग तो पहुंच गए ऊपर, चलते। ये खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये, आराम आराम से चलना, थोड़ी थोड़ी देर में रुक लेना, झुक के चलना पड़ रहा है। यहाँ देखो डंडा काम आ रहा होगा, यहाँ सांस फूल रही है। चलो भाई, सांस बहुत फूलने लगी। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और ये देखिए अभी ऊपर की तरफ ही जाना है और ऊपर चढ़ना है। देखिए रास्ता जड़ों से, जड़ों के ऊपर पैर रख रख के आना पड़ रहा है। चप्पल हाथ में ले लिए सही रहा, नहीं चप्पलें बहुत फिसलती है। चलो आओ, वो खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए नीचे, इधर बहुत खाई है, इस तरफ बहुत गहरी, सैकड़ों फिट नीचे वाली, और बिल्कुल पतली रास्ता है, किनारे से होके देखो जाना। ये पानी बरसने की वजह से फिसलन हो गई रास्ते में, तो ये थोड़ा सा जटिल हो रही है। जय हो माई की। देखिए इन रास्तों से होकर के, ये देखिए नर्मदे हर। देखिए हम कैमरे की तरफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कैमरे की तरफ देखते हैं तो फिर मैं कैमरे के सैकड़ों फिट नीचे चले जाएंगे। ये देखिए देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। आनंद आया था, बहुत आनंद आया ट्रैकिंग में, बहुत आनंद आया। चलते जाओ, चलते जाओ। बिल्कुल देखिए खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल बहुत खतरा है। ये इन पहाड़ों से हमें रास्ता, पत्थरों से रास्ता खोजना, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है किधर जाना है और कैसे चलना है, और इन्हीं पत्थरों से होकर के गुजरना है हमें। अब ये देखिए पत्थर ही पत्थर है, नहीं दिख रहा कहाँ रास्ता है। और कहीं रास्ता नहीं है, पहाड़ों पत्थरों से रास्ता खोजते हुए, और देखिए धुंध छाई हुई है आसमान में, आसमान का नीचे भी हमारे, फिर रास्ता नहीं मालूम कि किधर जाना है। दूर है, हाँ ये लंगूर है ऊपर, देखिए रास्ता किधर से है, रास्ता किधर से है। ये लग रहा है
अंकल जी आप आगे आइए। फिसलन बहुत है तो झोला में दे दो, लाओ बहुत फिसलन है। चलो 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 देखे, देखे देखे पहाड़ों से पत्थरों से रास्ता ढूंढनी पड़ रही है। दो दो चीजें पकड़े ये देखो, आराम आराम से। हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। चलिए लंगूर देखिए, लंगूर बैठे हुए ऊपर बहुत बैठे, इधर भी बैठे। हाँ काफी लंगूर हैं यहाँ पर, बड़े भी हैं और वही बोल रहे हैं। हाँ कितनी ऊपर आ गए हम लोग, और यहाँ लंगूर बहुत है। हाँ कैसे डांट रहे हैं ये, हाँ कैसे डांट रहे हैं, हाँ डांट रहे हैं। देखो कह रहे हैं कहाँ तुम लोग आ गए यहाँ पर। ये देखो ये देखो ये देखो, पकड़ के आना ये रास्ता, देखिए पकड़ के ही चलना पड़ेगा। पकड़ के ऐसे पकड़ के चलना है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये लोग ज्यादा लकड़ी में वो ए थैला थैला दे दो अलग, लकड़ी पे नहीं, लकड़ी पे नहीं थैला दे दो एक ले जाए। अरे वो इसलिए दे दो हाथ टिकाने के लिए, रास्ता देखना केवल, रास्ते को देख छोड़ के कुछ नहीं, कुछ नहीं देखना। देखना बहुत पतली रास्ता है, और ये भैया लोग तो दोबारा आ गए, देखिए ये तो लक्कड़ रख के अपना दोबारा आ गए। नीचे देख के आओ रास्ता, पतला रास्ता है बिल्कुल, रास्ता देखो नीचे, इधर उधर नहीं देखो। देखिए यहाँ काफी ऊंचाई पे हैं हम, यहाँ चीते बहुत हैं, चीते हैं बहुत, देख लेना काट लेते हैं वो। देखिए ऊंचाई पे आ गए हम, ये लोग इधर से जा रहे हैं। नर्मदे हर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा घूमने आए हैं, कहाँ से आए हैं? होशंगाबाद से। अच्छा अच्छा ये देखिए माई की बगिया, हम आ गए अभी नहीं आई, अभी और आगे है। यहाँ से बहरहाल हमें एक अच्छा हो गया, रास्ता हमें पक्का मिल गया और रोड मिल गया। अब ये जो मुसीबत भरा रास्ता था, वो मुसीबत के तीन दिन टल गए। मुसीबत टल गई, मुसीबत के दिन भी टल गए, आज से सभी के दिन अच्छे आ जाएंगे। तो माई की ये सड़क आ गई कमरकंटक वाली, खलेश्वरी बाबा की समाधि है। माई की बगिया भी आगे आने वाली है। चलिए मुसीबत के दिन टल गए आज से, पहाड़ों पे चढ़ के आ गए, बहुत थक गए हैं। काफी चढ़ाई चढ़ के आ गए हम लोग। चलो आओ, हाँ चलो देखो वो पानी पानी झर रहा, देखो देखो झरना।
चलो आ जाओ। माई शब्द का प्रयोग यहाँ नर्मदा जी के लिए किया जाता है। देखते रहिए आप YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।